वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फेस्टिव मेकअप के बारे में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है अपने चेहरे पर एक पतली लेयर एलोवेरा जेल लगाएं, इससे जेंटली मसाज करें और कुछ मिनट तक एब्जॉर्ब होने दें। एलोवेरा जेल नेचुरल मॉइस्चराइजर्स और प्राइमर की तरह काम करता है। तो गाइज इसके लिए सबसे फर्स्ट मैंने एलोवेरा जेल लगाया ताकि आपकी जो स्किन हो स्मूथ बनी रहे। सो गाइज तो यहाँ पे हम सीरम बूस्ट सनस्क्रीन अपने फेस पे लगाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा क्रीम है, लाइट वेट क्रीम है, वाइट कास्ट है, इसके बारे में बताएंगे आपको। सो गाइज पॉन्ड सीरम बूस्ट से हम शुरुआत करेंगे ताकि हमारा जो स्किन है वो हाइड्रेटेड और स्मूथ रहेगा, जिससे बाकी मेकअप और भी बेटर लगेगा और लंबा भी चलेगा। अपने फेस्टिवल का गाइज आप मजा लीजिए विद फ्रेश और ग्लोइंग मेकअप लुक के लिए। सो गाइज तो यहाँ पे मैं लैक्मे 9 to 5 विटामिन सी का फेशियल सीरम ले रही हूँ, जो कि ये सीरम जो है ना एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन सी से बना होता है, जो स्किन को ब्राइट और यूथफुल बनाता है। ये डार्क स्पॉट्स को भी कम करेगा। ये सीरम स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। ये डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। सो गाइज तो अब मैं यहाँ पे फाउंडेशंस लगाने वाली हूँ, जो कि वाटर ड्रॉप का है फाउंडेशंस। गाइज वाटर ड्रॉप बेबी फाउंडेशंस को अपनी उंगलियों पे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें। इसके बाद आप अपने चेहरे पर डॉट्स बना के फिर इवेनली ब्लेंड करें। इससे क्या होगा, हमारा फाउंडेशंस जो है अपने चेहरे पर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ताकि एक नेचुरल फिनिश मिल सके। सो गाइज तो अब मैं यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये क्रीम फाउंडेशंस, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और कंसीलर का भी काम करता है एक ऑल इन वन प्रोडक्ट के तौर पर। सो गाइज इसमें जो SPF होता है 30 होता है, जो आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। ये स्किन को नेचुरल और फ्लॉलेस लुक देता है। ये स्किन को हाइड्रेट भी रखता है ताकि आपका जो चेहरा है ना वो फ्रेश और ग्लोइंग लगे। ये क्रीम लाइट वेट होती है और स्किन पर हैवी फील नहीं होता है। इसे अप्लाई करना बहुत ही इजी होता है, उंगलियों पे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश के इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। सो गाइस तो यहाँ पे अब मैं फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने वाली हूँ, जो कि ये कोई भी स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल हम करते हैं। फिटमी कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने चेहरे पर इवेनली आप इस तरह से अप्लाई करें, इससे आपकी स्किन जो है ना मेकअप को सेट किया जाता है और स्किन को मैटी फिनिश मिलता है। सो गाइज तो यहाँ पे मैं शुगर का फाउंडेशन स्टिक ली हूँ, जो कि कॉन्ट्रिंग के लिए मैंने चुना है और हाइलाइटिंग के लिए भी। सो गाइज शुगर का फाउंडेशन स्टिक का एक शेड डार्कर चुने, जो आपके नेचुरल स्किन टोन से थोड़ा डार्कर हो। डार्कर शेड फाउंडेशन स्टिक को चिक्स के नीचे, जालीन के दोनों साइड्स, फॉरहेड के किनारे और नोज के दोनों साइड्स पर लगाएं। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रोल लाइन्स को अच्छे से आप ब्लेंड करें ताकि हर्स लाइन्स ना बने। इससे आपका चेहरा का शेप इन्हेंस होगा और डिफिनेशन मिलेगा। शुगर का फाउंडेशन स्टिक का एक शेड लाइटर चुने, जो आपके स्किन टोन से थोड़ा लाइटर हो। सो गाइज तो यहाँ पे मैंने हिलारी रोडा का आईब्रोज किट लिया है। आपके आईब्रोज को शेप देने के लिए, फिल करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे इस्तेमाल करके अपने आईब्रोज को डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें फुलर और नेचुरल लुक दे सकते हैं। पहले अपने आईब्रोज की शेप डिफाइन करें। आप अपने नेचुरल आईब्रो शेप को फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी आईब्रो स्टेंसिल्स का इस्तेमाल करके उन्हें शेप दे सकती हैं। आईब्रो पाउडर या वैक्स के माध्यम से आप अपने आईब्रोज को फिल करें। हिलारी रोडा का किट आपको आईब्रोज पाउडर, वैक्स और ब्रश प्रोवाइड करेगा। सो गाइज यहाँ पे मैंने सीसी क्रीम आई शेडो लगाने से पहले लगाऊंगी। सीसी क्रीम आई शेडो के पहले लगाने से क्या होता है, एक अच्छा सा बेस प्रोवाइड होता है, जिससे आई शेडो का कलर और लॉन्गिविटी इन्हेंस होता है। ये एक अच्छा तरीका है अपने मेकअप को स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग बनाने का। अब आप अपने आई शेडो लगाने के लिए आप कोई भी कलर लगा के आई शेडो को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा वाइट आई शेडो लूंगी सबसे फर्स्ट, ताकि हमारा जो कलर जाए वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे पहले एक नेचुरल आई शेडो बेस लगाऊंगी ताकि हमारा जो आई शेडो है ना वो कलर पॉप करे। तो यहाँ पे जो मैंने सीसी क्रीम लगाई है वो भी आपके बेस का एक हिस्सा बन सकता है। 3-4 कलर का आई शेडो मैं लगाऊंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइटर शेड्स ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ योर आईलिड टू डार्कर शेड्स ऑन द आउटर कॉर्नर। आप अपनी पसंद के मुताबिक कलर्स चूज कर सकती हैं, जैसे कि ब्राउन्स, पिंक या पर्पल्स। हर कलर को अच्छे से ब्लेंड करें ताकि हर्स लाइन्स ना बने और
एक सेमलेस ट्रांजिशंस हो। ग्लिटर को दूसरे कलर के ऊपर लगाएं परफेक्टली इन द सेंटर ऑफ योर आईलिड। तो यहाँ पे गाइज मैं दो कलर का ग्लिटर लगाने वाली हूँ, एक रेड और एक हल्का सिल्वर कलर, जो कि इससे हमारा जो आईज है ना वो अलग दिखे और हमारा मेकअप के जो मैंने मेकअप इंडियन फेस्टिव मेकअप का लुक क्रिएट किया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आई शेडोज यूज़ कर रही हूँ। लाइट शिमर या ग्लिटर आई शेडो का इस्तेमाल करके इनर कॉर्नर को हाईलाइट करें, इससे आपके आईज ब्राइटर और मोर अवेक दिखेंगे। आई शेडो के बाद आईलाइनर और मस्कारा लगाऊंगी ताकि हमारा जो आईज है ना और भी अट्रैक्टिव लगे। सो गाइज अब मैं लगाने वाली हूँ शुगर का मस्कारा। पहले अपने मस्कारा लगाऊंगी, फिर जेंटली वाइप करूंगी ताकि एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव हो जाए, फिर अपने अपर लैशेस पर मस्कारा लगाऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स और स्लोली जिगजैग मोशंस। अगर आपको फुलर लुक चाहिए तो मल्टीपल कोट्स अप्लाई करें, लेकिन हर कोट के बीच में थोड़ा वेट करें ताकि क्लम्स ना बने। एंड गाइज अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। पहले अपने आईलाइनर पेन पेंसिल या जेल लाइनर को लेकर अपने अपर लैश लाइन के करीब से शुरू करना है। स्लोली लाइन को एक्सटेंड करते हुए अपने आई शेप के मुताबिक वाइन क्रिएट करूंगी। अगर आपको थिन लाइन चाहिए तो लाइट प्रेशर से, और अगर बोल्ड लाइन चाहिए तो ज़्यादा प्रेशर से अप्लाई करें। दोनों आँखों के लाइनर को मैच करें ताकि सिमेट्रिकल लुक मिले। एंड गाइज तो यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा ली हूँ इस तरह से। फिर मैं लगाने वाली हूँ काजल। अपने काजल पेंसिल्स को जेंटली अपने वाटर लाइन पर लगाऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम इनर कॉर्नर्स और बाहर की तरफ जाते हुए। अगर आप चाहे तो काजल को थोड़ा एक्सटेंड करके लोअर लैश लाइन के बाहर भी लगाएं, जिससे एक स्मोकी इफेक्ट मिले। लेकिन ध्यान रखें कि काजल लगाने के बाद उसे अच्छे से सेट करें ताकि स्मजिंग ना हो। एंड गाइज यहाँ पे अब मैं आई शेडो प्लेट से एक लाइट शेड चुनूंगी जो हम हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर करने के लिए सुटेबल ये ही चीज़ अच्छा लगता है। यूजुअली लाइट गोल्ड या फिर पर्ल शेड्स अच्छे होते हैं। अपने फिंगर्स या हाइलाइटिंग ब्रश की हेल्प से सेलेक्टेड शेड को चिक बोन्स, नोज बोन्स, कपिट बो और ब्रो बोन्स पर लगाऊंगी। हाइलाइटर को जेंटली ब्लेंड करूंगी ताकि हर्स लाइन्स ना बने और एक नेचुरल ग्लो मिले। सो गाइज तो यहाँ पे मैं अपने लिपस्टिक से ही ब्लश का पहले यूज करूँगी। यहाँ पे मैंने मेकअप को एक यूनिक ट्विस्ट दिया है। ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप सभी को, बट मैंने लिपस्टिक लगाने से पहले ही लिप्स पर ब्लश लगाया है। इसके आपके लिप्स का कलर और डेप्थ इन्हेंस होगा और एक नेचुरल फ्लश इफेक्ट मिलेगा। ब्लश के ऊपर आपने लिपस्टिक लगाया है जो कि एक बोल्ड लुक देने में हेल्प करता है। लिपस्टिक को केयरफुली अप्लाई करें स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑल योर लिप्स एंड वर्किंग योर स्टे वेस्ट टुवर्ड्स द कॉर्नर्स। ब्लश और लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड करें ताकि एक सेमलेस ट्रांजिशंस हो और हर्स लाइन्स ना बने। लिप मेकअप को शेड करने के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सेटिंग पाउडर या लिप सीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ये एक यूनिक लिप मेकअप लुक डिफाइनली हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा स्टैंड आउट कराएगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से लिपस्टिक का यूज करके ब्लश का भी काम किया और लिपस्टिक का भी काम किया। फिर बाद में मैंने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से एक बिंदी लगाया ताकि हमारा जो इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक हो वो पूरी तरह से अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इयररिंग्स चूज किया, फिर मैं पहनी। तो गाइज आप सबको ये कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जो नए हैं। The day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My lady's short, tall, thin, or wide. Always down and ready to ride.